हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत ब्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्ग रीजंस की क्यों आपको ले लद्दाख ट्रिप को टॉप पे रखना चाहिए अपनी राइडिंग प्लान में। तो दोस्तों, बहुत सारे राइडर्स का ड्रीम होता है ले लद्दाख पे राइड करने का, बिकॉज उसके जो चैलेंजेस हैं उसकी बहुत सारी जो ब्यूटी है वो लोगों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। बहुत सारे राइडर्स जो हैं एवरी ईयर जाते हैं एंड बहुत सारे राइडर का प्लान होता है बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो न्यू राइडर हैं, जो लोग प्लान करते हैं बट जा नहीं पाते, तो ये जो वीडियो उनको टोटली करने वाली है कि एक्चुअल में जब आप नेक्स्ट टाइम जाए ना तो ये ट्रिप को सक्सेसफुली करके आइए एंड आपको बहुत ही मजा आने वाला। तो जल्दी से जानते हैं वो क्या है टॉप 10 रीजन जो आपको खींचते हैं लेह लद्दाख की तरफ। दोस्तों, जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रीजन मुझे लगता है वो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि है खड़दुंगला। दोस्तों, खड़दुंगला जैसे बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड पासेस आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, जैसे कि रोहतांग है, बारालाचा है, लाचंगला है, तांगलांगले है, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप हाईएस्ट मोटरेबल रोड को आपको क्रॉस करने का जो फील आता है ना दोस्तों, वो फील आपको कहीं भी नहीं मिलता। वहाँ के चैलेंजेस को क्रॉस करने के लिए वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट और कितना चैलेंजिंग रोड है जो कि मैक्सिमम राइडर्स जो हैं उसको क्रॉस करना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, सेकंड जो ऑप्शन है वो है मल्टीपल रूट ऑप्शन। दोस्तों, जो कि दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो श्रीनगर कारगिल के साथ होते हुए आप लेह लद्दाख जा सकते हैं, और सेकंड जो ऑप्शन है वो मनाली और लेह का। मैक्सिमम राइडर्स जो होते हैं चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए मनाली टू लेह का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और दोस्तों, ये रोड पे आपको बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था कि रोहतांग पास, बारालाचा, निकीला और लाचंगला, तांगलांगा, ऐसे जो रूट्स हैं ना, पासेस हैं ना, वो आपको क्रॉस करने पड़ते हैं। एंड अगर आप श्रीनगर का रूट लेते हैं तो वो जो रूट है वो 11 मंथ ओपन रहते हैं, बट ये जो मैंने रूट बताया मनाली से लेकर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 4-5 मंथ 6 मंथ ही मिलता है। मैक्सिमम टाइम ये बर्फ से घिरे रहते हैं, इसके लिए ये बंद रहता है। दोस्तों, तीसरा जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो है मल्टीपल वेदर कंडीशन। और दोस्तों, इस रूट पे आपको सारे वेदर कंडीशन मिल जाते हैं, ठंडी, गर्मी, बर्फ, बारिश, स्नोफॉल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर आप जून जुलाई अगस्त के टाइम पर जाते हैं तो अगर आप लकी हैं तो स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ये राइडर्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। दोस्तों, फोर्थ जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है उसको मैं मिस ही नहीं कर सकता, वो है ब्यूटी। दोस्तों, इस रूट पे इतना चैलेंज के साथ में वो ब्यूटी जो है उसको कभी भी मिस नहीं किया जाता। दोस्तों, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे आप रिवर के साइड में रोड जा रही हो वहाँ पर आप राइड कर रहे हैं, मल्टीपल वेदर कंडीशन हो, चाहे वो वहाँ पर डिफरेंट तरीके के आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं, एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, दोस्तों वो जो फील है ना, वो ब्यूटी है ना दोस्तों, आपको सिटी स्टेट्स में कभी नहीं मिलती। ये आपको इसी रूट पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो रीज़न है ना, इसीलिए लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, जब रिलैक्स करने के बाद आती है, जब माइंड फ्रेश करने के बाद, जब अपने प्रेशर को रिलीज़ करने के बाद, जो हम डेली जॉब में, बिजनेस में जब हम करते हैं उसको रिलैक्स करने के लिए, ये ब्यूटी ना सच में ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। दोस्तों, फिफ्थ जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है एडवेंचर। दोस्तों, यहाँ पर एडवेंचर जो है ना वो भर भर गया है। एवरी टर्न्स जो है ना वो चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए, चाहे वो वाटर क्रॉसिंग हो, चाहे वो आप रिवर के साइड में राइडिंग कर रहे हो, चाहे वो ऐसी सी नैरो रोड हो ना जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल ट्रक ही निकल सकता है, वहाँ पर राइड करना, और इतनी हाइट पे रोड्स हैं कि आप नीचे देखेंगे ना तो आपको बहुत गहरी सिर्फ खाई खाई दिखाई देगी। दोस्तों, ये जो रोड के चैलेंजेस है ना, राइडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं। फियर, डर तो लगता है बट दोस्तों, राइड करने का मज़ा उतना ज़्यादा ही इंक्रीज होता रहता है। दोस्तों, सिक्स जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरे जैसे फूडी लोगों के लिए है, जिनको फूड जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट करने में अलग ही मज़ा आता है। जैसे मुझे जो है पहाड़ों की, खासतौर से लेह लद्दाख रूट में जो मैगी मिलती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जो हम घर में बनाते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलता है। और भी वहाँ की जो लेह लद्दाख की जो डिशेज हैं, लाइक थुकपा हो जो फेमस हैं, मोमोज हैं, ये सुख है, ऐसे अलग अलग चीज़ें वहाँ पर टेस्ट करने को मिल जाती है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो वेज हो, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पर भी आपको सारे फूड ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों, मेरे जैसे फूडी लोग ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है।
दोस्तों सेवन जो रीज़न है स्ट्रॉन्ग वो है अकोमोडेशन, अफोर्डेबल अकोमोडेशन आपको मिल जाता है आराम से। अगर मैं बात करूँ प्राइस स्केल की, क्या प्राइस स्केल होते हैं नॉर्मली जब आप मनाली टू लेह लद्दाख जा रहे होते हैं, तो दोस्तों जो प्राइस रेंज है वो 300 से लेके आपको 1500 तक स्केल करता है। दोस्तों मल्टीपल आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे टेंट हो, चाहे दूसरे होटल्स हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहले से अगर आप रिसर्च करके जाते हैं ये कहाँ पर आपको स्टे करना है और कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो आप बहुत सारा पैसा ना अपना बचा सकते हैं आराम से। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये राइड जो होती ना ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती अगर आप पहले से प्लान करके जाते हैं तो। दोस्तों आठवां जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है, वहाँ के लोकल्स का फ्रेंडली बिहेवियर। दोस्तों जब भी आप लेह लद्दाख के ट्रिप करेंगे, कोई भी आप रूट फॉलो करिए दोस्तों, आप उस रूट पे कभी भी अलोन अकेले कभी नहीं होते हैं। कोई ना कोई राइडिंग ग्रुप, आर्मी के ट्रक्स या फिर वहाँ के लोकल्स के ट्रक भी, गाड़ी भी, कोई भी जा रही हो ना, दे आर रेडी टू हेल्प यू। एंड ये चीज़ जो है ना आपको एक कम्फर्ट देती है, सिक्योरिटी देती है कि आप रोड पर कभी भी अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों वहाँ पे कोई ना कोई आपके हेल्प के लिए, किसी भी तरह कोई भी सिचुएशन में आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, तो वहाँ पर लोग जो हैं हेल्प करते हैं, बिकॉज दे नो कि डिफ़िकल्ट कितना है और हाथ जो है बढ़ाना चाहिए। जब भी कोई डिफ़िकल्टी में हो तो हेल्प जरूर करना चाहिए। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। तो ये एक और रीज़न है जिसके वजह से राइडर्स जो हैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और एवरी ईयर राइडिंग ग्रुप जो है वहाँ राइड करते हैं। दोस्तों नाइन्थ जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो है वहाँ का फेस्टिवल। दोस्तों अगर आप प्लान कर जाते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारे फेस्टिवल जो हैं अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं लेह लद्दाख जो है लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहता है, तो वहाँ पर जो फेस्टिवल्स हैं बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लाइक वहाँ पर सिंगिंग है, डांसिंग है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ की जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होंगी और डिफरेंट होगी वहाँ के कल्चर को जानने के लिए। और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स भी होते हैं जहाँ पर आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट जो हैं वो भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रीज़न के ऊपर। दोस्तों 10 जो रीज़न है वो है रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए। जितने भी रॉयल एनफील्ड राइडर्स हैं उनके लिए हो जाता है एकदम मैंडेटरी कि उनको जो है अपनी जो बुलेट है, अपनी जो रॉयल एनफील्ड है उसको टच कराना है लेह लद्दाख में, वरना उनका जो रॉयल एनफील्ड लेना है वो टोटली सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दोस्तों जोक्स अपार्ट, दोस्तों जब आप रॉयल एनफील्ड लेके जाते हो, कोई भी आपको बुलेट हो या दूसरी कोई भी रॉयल एनफील्ड हो, जब आप खाली रोड पर दौड़ाते हो ना, एक अलग ही मजा है। जो मेंटल जो प्रेशर होता है जो हम जॉब में या बिजनेस में क्रिएट कर देते हैं चाहे जाने अनजाने में, वो टोटली रिलैक्स हो जाता है। वो आपके माइंड को, वो आपके फील को, आपकी गाड़ी जो आपकी बाइक है और आपका कनेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस जो है राइडिंग में और ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो अगर आपके पास कोई भी बाइक हो, सिर्फ रॉयल एनफील्ड नहीं कोई बाइक हो, तो एक बार जरूर जाइए, ठीक है, राइड करके आइए और वो एक्सपीरियंस को, वो जो जगह है उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो कल्चर है, उसका जो वेदर कंडीशन है, उसकी जो एडवेंचर है, उसको फील करिए, मज़े लीजिए। एंड आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। क्या है आपकी रीजंस वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड आपको कैसी लगी वीडियो जरूर मुझे बताइए, ताकि ऐसी जो वीडियो आपके लिए मैं टाइम बना सकूं। और कोई सजेशन सुझाव है तो मोस्ट वेलकम है दोस्तों। कमेंट सेक्शन टोटली ओपन है आप लोगों के लिए, वहाँ भरिए। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए गुरुजीत ब्लॉग। ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। और अपनी लाइफ में ना इंटरेस्ट बनाए रखिए और राइड करते रहिए। बाय।